उसमें कई कई तरह के जो सवाल है अब उठ रहे हैं, क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, सीएजी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं और वो भी वर्ष 2016-17 के वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, और जो आपत्तियां हम समय समय पर करते रहे थे उनको प्रमाण दिया है सीएजी ने, और ये प्रमाण के आधार पर जो आपत्तियां हमने लगाई थी चुनाव से पूर्व, उन आपत्तियों पर हमने त्वरित गति से कार्यवाही पूर्व में ही कर दी थी। ODF बनाए जाने के लिए जो संपूर्ण भारत में अभियान चल रहा था उसमें भी लापरवाही की गई, ऐसे गांव जो ODF दिखाए गए हैं उनमें भी शौचालय नहीं बने थे, हमने अभियान के तौर पर छेड़ करके 45,000 शौचालय मात्र 3 महीनों के अंदर बनाए, और जिसके चलते हुए मई 2017 में भारतवर्ष में चौथा राज्य हम बने थे जो पूर्ण ODF घोषित हुए थे। इसी तरह से जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की थी, उस योजना के तहत हमें लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करना था, गंगा पर पड़ने वाले नालों की टिपिंग करनी थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना था, उसके लिए बजट भी था, लेकिन तत्कालीन सरकार उस बजट का उपयोग नहीं कर पाई और परिणाम यह हुआ वो योजनाएँ आधी अधूरी बनी रही। हमने उन सभी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य लिया, मार्च 2019 तक हम सारे प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे। जो CAG कह रहे हैं कि STP हमारे उच्चीकृत नहीं है, वो सभी बन चुके हैं, 68 MLD का जो STP है वो हरिद्वार जगजीतपुर में बना हुआ है, ऋषिकेश वाला भी बन चुका है, देहरादून वाला बन चुका है। इस तरह से हम बहुत तीव्र गति से उन सारे विषयों को रेक्टिफाइड कर रहे हैं। CAG ने जितने भी प्रस्तर बनाए हैं, जो भी पैरा बने हैं, उन सभी पर कार्रवाई की है। ठीक।